दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में परेशान हैं? आपको सफलता नहीं मिल रही? आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे? कोई बात नहीं, आज के इस बुक समरी में बताए गए बातों को फॉलो करके तो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स जैसे लोग भी सफल हो चुके हैं। दरअसल हम आपको फेमस अमेरिकन ऑथर डैरेन हार्डी की बुक द कंपाउंड इफेक्ट में बताए गए सफलता हासिल करने के खास तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। अब दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा सही मौके और सही वक्त का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन असल में कोई भी काम करने के लिए आज से बेहतर और कोई समय नहीं होता। और बड़ी कामयाबी उन्हीं लोगों को ही हासिल होती है जो अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हुए स्मॉल स्टेप्स लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लाइफ में किए जाने वाले छोटे छोटे चेंजेस से ही बड़े बड़े गोल्स को अचीव किया जा सकता है। और यही चीज डैरेन हार्डी ने अपनी किताब द कंपाउंड इफेक्ट के अंदर हमें समझाने की कोशिश की है। तो चलिए इस बात को हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए कि रोहन और सोहन नाम के दो दोस्त थे जो कि एक ही शहर के अंदर रहा करते थे। इन दोनों ने एक ही स्कूल व कॉलेज से पढ़ाई की थी और दोनों की एजुकेशन भी सेम ही थी। इसके अलावा दोनों का बिजनेस और इनकम भी एक ही जैसा था। दोनों को ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और समय के साथ चलना था। और चूंकि रोहन जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने के महत्व को अच्छी तरह से समझता था, इसीलिए उसने अपनी लाइफ में कुछ छोटे छोटे और बेहद मामूली से नजर आने वाले चेंजेस किए। दरअसल उसने सुबह में अखबार पढ़ने की जगह पर किसी अच्छी किताब के 10 पेजेस पढ़ना शुरू कर दिया। वो ऑफिस जाते समय रास्ते में म्यूजिक की जगह इंस्पिरेशनल ऑडियो बुक सुनने लगा। इसके अलावा उसने अपना वजन कम करने के लिए अपनी रोज की डाइट से 125 कैलोरी कम कर दी, यानी कि वो पहले से थोड़ा कम खाने लगा। साथ ही उसने डाइट कोक और बर्गर जैसी अनहेल्दी चीजों को खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। वो हर रोज 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलने लगा और ऑफिस में एक क्लाइंट के जगह पर वह हर रोज 2 क्लाइंट्स को कॉल करने लगा। अब यह कुछ इतने छोटे छोटे बदलाव थे जिनको ज्यादातर लोग तो नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी तरफ सोहन की बात करें तो इसको इन छोटे छोटे बदलावों का महत्व बिल्कुल भी मालूम नहीं था, इसीलिए उसने अपने डेली रूटीन में कोई खास बदलाव नहीं किया। वह दिन भर अनहेल्दी जंक फूड खाता और पानी की जगह पर सॉफ्ट ड्रिंक पीता। वह ज्यादा चलता फिरता भी नहीं था और अगर कभी मन हुआ तो वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेता था। इसके अलावा वो अपने क्लाइंट्स को कभी भी एक्स्ट्रा कॉल नहीं करता था। और दोस्तों, लाइफ में कोई भी चेंजेस किए बिना सोहन अपनी जिंदगी इसी तरह से जीता रहा। हालांकि अब रोहन को इन नए चेंजेस के साथ अपनी लाइफ जीते हुए धीरे धीरे 5 महीने बीत गए, लेकिन इन 5 महीनों में उसके अंदर ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आया जो कि उसको सोहन से बहुत ही ज्यादा बेहतर बनाता हो। यानी कि 5 महीने बीतने पर रोहन और सोहन दोनों की लाइफ एक जैसी ही रही थी। और फिर दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे 10 और उसके बाद से 20 महीनों का समय बीत गया, लेकिन रोहन और सोहन में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। अब बीच बीच में कई बार तो कोई पॉजिटिव रिजल्ट ना देखकर रोहन का मोटिवेशन भी डाउन हुआ और वह सोचता था कि सोहन तो अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करके जी रहा है और वह अपनी लाइफ में इतने चेंजेस करने के बाद भी कोई खास तरक्की नहीं कर पा रहा है। हालांकि यह सब विचार मन में आने के बावजूद भी वो अपने डेली रूटीन पर इसी तरह से जमा रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे उसको अपने इस रूटीन में मजा आने लगा और वो अपने इस नए रूटीन के साथ ही जिंदगी को भी एंजॉय करने लगा। इन दोनों दोस्तों की लाइफ इसी तरह से चलती रही और देखते ही देखते 27 महीनों का समय बीत गया। लेकिन ये 27 महीने पूरे होते होते अब यह कहानी पूरी तरह से बदल चुकी थी। दरअसल रोहन हर रोज 10 पेजेस पढ़ते हुए सक्सेस पर लिखी गई लगभग 50 किताबें पढ़ चुका था और साथ ही वो लगभग 470 घंटे का इंस्पिरेशनल ऑडियो बुक भी सुन चुका था। इसके अलावा अपनी डाइट से 125 कैलोरी कम करने और रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलने की वजह से उसका वजन भी 15 किलो कम हो गया। साथ ही हर रोज एक एक्स्ट्रा कॉल करके उसने इन 27 महीनों में कुल 1860 एक्स्ट्रा कॉल्स की थी, जिसकी वजह से उसको बहुत सारे नए क्लाइंट्स मिले और उसका बिजनेस व इनकम दोनों पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। दूसरी तरफ रोहन का दोस्त सोहन, जिसने अपनी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं किया था, अनहेल्दी जंक फूड खाने और एक्सरसाइज न करने की वजह से उसका वजन काफी बढ़ गया, यहाँ तक कि उसके मोटापे का असर उसके हर्ट पर भी होने लगा था। साथ ही क्लाइंट्स को कोई भी एक्स्ट्रा कॉल न करने की वजह से उसका बिजनेस भी काफी खराब हो गया, जिसकी वजह से उसकी इनकम पहले से कहीं कम हो गई।
और दोस्तों रोहन और सोहन के इस एग्जाम्पल से यह साफ हो जाता है कि इंसान अगर अपनी लाइफ व डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे ही बदलाव कर ले तो फिर लॉन्ग टर्म में उसको इन चेंजेस का काफी ज्यादा फायदा मिलता है, बल्कि ज्यादातर मामलों में तो लोगों की लाइफ ही पूरी तरह से बदल जाती है। वैसे दोस्तों आगे हम जानेंगे कि क्यों हम अपनी लाइफ में रोहन की तरह इतने छोटे छोटे बदलाव भी नहीं कर पाते। हालांकि उससे पहले अगर आप कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर द पावर ऑफ हैबिट्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, द पावर ऑफ फोकस और डीप वर्क जैसे बुक्स के समरीज भी आपको जरूर सुनने चाहिए। और दोस्तों इन किताबों के अलावा भी आपको हजारों बुक्स के समरीज कुकू FM पर हर दिन 1 रुपए से भी कम खर्च करके मिल जाएंगे। साथ ही बुक्स सुनने के बाद से अपने गोल्स पर फोकस रहने के लिए आप कुकू FM के ऑडियो कोर्सेज को भी सुनना ना भूलिएगा। हालांकि चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ज्यादातर लोग रोहन की तरह अपनी लाइफ में बहुत छोटे छोटे बदलाव भी क्यों नहीं कर पाते हैं। असल में दोस्तों लोग इस बदलाव को इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बदलाव करके उन्हें एकदम से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं नजर आता है। और जो लोग जैसे तैसे करके अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस कर भी लेते हैं वो भी कोई रिजल्ट न मिलता हुआ देख कुछ ही समय में इन चेंजेस को छोड़कर वापस अपने पुरानी रूटीन पर लौट आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में यह बात आ जाती है कि इन अच्छे चेंजेस का उन्हें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, इसीलिए लोग अपने लिए वही आसान रास्ता चुन लेते हैं जहां उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना होता। यानी वो बिना किसी एक्सरसाइज, बिना कोई किताब पढ़े और बिना कोई हेल्दी डाइट प्लान के अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। और दोस्तों जिस तरह से शुरुआत में कोई रिजल्ट ना मिलता हुआ देखकर लोग अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं, ठीक उसी तरह जब लोगों को उनकी बुरी आदतों से शुरुआत में कोई नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता है तो फिर लोग अपनी उन बुरी आदतों को हमेशा के लिए जारी रखते हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि उनकी बुरी आदतें लॉन्ग टर्म में उन्हें कितना नुकसान पहुंचाने वाली हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर सिर्फ एक बर्गर खाने से ही इंसान का 10 किलो वजन बढ़ने लगे तो फिर यकीनन कोई भी इंसान सिर्फ एक बार ही बर्गर खाकर उसी समय उसको खाना छोड़ देगा। लेकिन समस्या यह है कि एक बर्गर खाने से एकदम अचानक से वजन नहीं बढ़ता है, बल्कि इसका असर तो लोगों पर कुछ साल के बाद दिखना शुरू होता है। और जब तक लोगों को यह समझ आता है कि रोजाना बर्गर खाने से उनका मोटापा बढ़ रहा है तब तक मामला उनके हाथों से निकल चुका होता है। और दोस्तों ठीक इसी तरह से ही अगर लोगों को सिर्फ एक सिगरेट पीने से ही सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो यकीनन सभी लोग वो एक सिगरेट पीकर ही उसी समय स्मोकिंग करना छोड़ देंगे। लेकिन सिगरेट का असर भी लोगों को कई साल बाद जाकर उस समय नजर आता है जब उनके फेफड़ों में कैंसर अपनी जगह बना चुका होता है और उस समय भी मामला लोगों के हाथों से निकल चुका होता है। असल में सच यही है कि इंसान की हर एक छोटी से छोटी च्वाइस और आदत का असर उनके लाइफ पर जरूर पड़ता है, फिर चाहे वह हर रोज सिगरेट पीने जैसी कोई बुरी आदत हो या फिर रोजाना किताब पढ़ने जैसी कोई अच्छी आदत। अब लोग बेफिक्र होकर छोटी छोटी बुरी आदतों को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और फिर कई सालों के बाद उन लोगों की वही बुरी आदतें उन्हें बर्बाद करने का जरिया बन जाती है। यानी कि दोस्तों आज के समय में आप लोग अच्छी या बुरी जैसी भी लाइफ जी रहे हैं वो आपके उन्हीं फैसलों का ही नतीजा है जो कि आपने अपने पास्ट में लिए हैं। और यही सब चीज़ें ऑथर डैरन हार्डी ने अपनी किताब द कंपाउंड इफेक्ट के जरिए हम लोगों को समझाने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छी आदतों को जोड़कर सफलता हासिल कर सकें। अब अगर आप भी अपनी लाइफ को एक सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर अपने जीवन में सभी बुरी आदतों को निकालकर उनकी जगह कुछ अच्छी आदतों को अपना लीजिए, क्योंकि यही कामयाबी हासिल करने का पहला स्टेप होता है। बहरहाल अपनी अच्छी आदतों में एक और आदत आप ऐड कर सकते हैं कुकू FM ऐप को डाउनलोड करने के बाद से बुक समरीज को सुनकर। बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर LH20 कूपन का इस्तेमाल करना है और फिर आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन 399 में नहीं बल्कि सिर्फ 319 रुपये में मिल जाएगा जो कि हर दिन सिर्फ 87 पैसे होता है। तो दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।